हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिंटो क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग एक, पार्ट आठवां। पार्ट का नाम है धातु विज्ञान मेटलर्जी। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने इस पार्ट के ऊपर 5 वीडियो बना के रखा हुआ है। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन 5 वीडियोज़ को देख सकते हो। उन 5 वीडियोज़ को देखने का फायदा है कि आपको इस वीडियो का जो भी बेसिक टॉपिक्स है वो आपको समझ में आ जाएगा कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, धातु भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, अधातु भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों के बारे में मालूम पड़ जाएगा। फिर साथ ही साथ आप ये भी जान लोगे कि धातुओं का रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार होती है अलग अलग तत्वों के साथ, फिर अधातु रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है धातुओं का निष्कर्षण। तो धातु का निष्कर्षण स्टार्ट करने से पहले हमको एक निश्चालन नाम का टॉपिक जो बच गया है उसको पहले खत्म करना पड़ेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आप सभी को मालूम है स्टूडेंट्स कि पहले वाली वीडियोज आपने देखा होगा कि उसके अंदर मैंने बताया था किसी भी अयस्क से धातु अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए 3 सोपान है। सबसे पहले अयस्कों का सांद्रीकरण करना पड़ता है, उसके बाद क्या धातुओं का निष्कर्षण, उसके बाद शुद्धिकरण। ये 3 सोपान है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अयस्कों का सांद्रीकरण पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको धातुओं का क्या करना पड़ेगा, निष्कर्षण करना पड़ेगा। और सबसे आखिरी स्टेप क्या रहेगा, धातुओं का शुद्धिकरण। इन 3 सोपान से होकर हम लोग किसी भी अयस्क से धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो अयस्कों का जो सांद्रीकरण था उसके अंदर 5 पद्धतियाँ हैं, जिसके अंदर 4 पद्धतियों के बारे में मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ है। अगली पद्धति है निच्छालन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं निच्छालन क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे धातुओं का निष्कर्षण हम लोग किस प्रकार करते हैं। तो एल्यूमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये जो कुछ धातुएं होती हैं जिनकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। तो अयस्क से निष्कर्षण करना का पहला चरण क्या होता है, निच्छारण होता है। अगर आपको सोना चांदी या एल्यूमिनियम प्राप्त करना उनके अयस्क से, तो आपको कौन सी विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, निच्छारण पद्धति का इस्तेमाल करके आप क्या करोगे, अयस्कों का सांद्रीकरण करोगे। क्या करोगे, अयस्कों का सांद्रीकरण करोगे। पद्धति में अयस्क को एक विशिष्ट विलयन में बहुत देर तक भिगो कर रखा जाता है। ये निच्छालन पद्धति में क्या किया जाता है, किसी भी अयस्क को बहुत समय तक भिगा कर रखा जाता है। आप वीडियो के आगे देखोगे कि हम लोग एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करेंगे तो एल्यूमिनियम को 5 से लेकर 8 घंटे तक भिगा के रखा जाता है, कोई द्रव रहता है उसके अंदर भिगा के रखा जाता है। और बाद में जो विलयन के साथ विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया होकर अयस्क उसमें क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, ठीक है ना। विलयन, जिस विलयन में उस धातु को अयस्क को मिलाया गया उस विलयन के अंदर जो अयस्क रहेगा वो क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया करके घुल जाएगा। लेकिन जो उसके अंदर मिट्टी रहेगी, ठीक है ना, वो जो मिट्टी रहेगी वो अशुद्ध होने के कारण उसका घुल वो उस विलयन में घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा। तो उसको आप बाद में जाकर क्या करेंगे, हम लोग छान कर उसको अलग कर सकते हैं। तो उदाहरण के रूप में अगर बात करें बॉक्साइड एल्यूमिनियम के, इस अयस्क को सांद्रीकरण निश्चालन पद्धति से करते हैं। बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का क्या है, अयस्क है। तो बॉक्साइड से एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए हम लोग निश्चालन पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एल्यूमिनियम बॉक्साइड से हम लोग एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे करते हैं। इस प्रक्रिया में बॉक्साइड अयस्क जली विलयन को NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट के विलयन में भिगो कर रखने पर उसका प्रमुख घटक एल्यूमिना घुल जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का अयस्क, इस बॉक्साइड को क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में, ठीक है ना, भिगो कर रखा जाएगा 5 से लेकर 8 घंटे तक। और बाद में उसका क्या निर्माण हो जाएगा, एल्यूमिना। और बाद में इसी एल्यूमिना को एल्यूमिनिया विद्युत अवकरण, इस पद्धति का उपयोग करके हम लोग शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए धातु का जो निष्कर्षण है वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर पता लगाया जाता है कि उसका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं तो उनका निष्कर्षण अलग विधि से किया जाएगा, मध्यम अभिक्रियाशील धातु है तो उनका निष्कर्षण की पद्धति अलग रहेगी, कम अभिक्रियाशील धातु है तो उनके निष्कर्षण की पद्धति अलग रहेगी। तो धातु का जो निष्कर्षण है वह निर्भर करता है उनकी अभिक्रियाशीलता पर। सबसे पहले पता लगाया जाएगा कि जो धातु को हम लोग निष्कर्षण कर रहे हैं उसकी अभिक्रियाशीलता क्या है, कम अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, या हम लोग बोल सकते हैं मध्यम अभिक्रियाशील है। उसके हिसाब से हम लोग उसके निष्कर्षण की अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्ष, जिसके अंदर लोग उदाहरण के रूप में लेंगे एल्यूमिनियम, कि हम लोग बॉक्साइड से एल्यूमिनियम को किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु अधिक अभिक्रियाशील रहती है। मैंने इसके पहले वाली वीडियोज में बताया होगा अभिक्रियाशील
श्रेणी के बारे में, ठीक है ना। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में क्या होता है कि सबसे ऊपर आपको पोटेशियम दिखेगा, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद फेरस, फिर लेड होता है, फिर कॉपर, समझ आ रहा, पारा, सोना, चांदी, फिर लास्ट में प्लेटिनम था, ठीक है। जितना ऊपर तत्व रहेगा उसकी अभिक्रियाशीलता क्या रही उतनी ज़्यादा रहेगी, और जितना अभिक्रियाशीलता श्रेणी में तत्व नीचे रहेगा उसकी अभिक्रियाशीलता क्या रही उतनी कम रहेगी, ठीक है। अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होने का कारण क्या है कि उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन वो उतनी आसानी से त्याग कर सकता है। मतलब अगर बात करें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत ज़्यादा है, मतलब ये बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत आसानी से त्याग देते हैं और ये क्या करते हैं किसी भी तत्व के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, और इसलिए ये तत्व प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए सोना की, चांदी की, तो ये कम अभिक्रियाशील तत्व हैं, ठीक है ना। इनके परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी बाहर निकलता है या नहीं, इसलिए ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। श्रृंखला के आरोही क्रम में उनकी अभिक्रियाशीलता कम होती जाती है। जैसे जैसे हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी में नीचे जाएंगे वैसे 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 अभिक्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। अगर बात करें पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, इनकी अभिक्रियाशीलता क्या है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर पाए जाते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुओं में उनके बाह्यतम कवच में स्थित इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता होती है। जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं उनमें क्या होता है कि बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको त्याग करके वो लोग धन आयन बनाते हैं। उदाहरण के रूप में बात करेंगे तो अधिक अभिक्रियाशील धातु में तनु अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया होकर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। इसके पहले वाली वीडियोज में आपने देखा होगा जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो आपको मालूम होना चाहिए हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कमरे के तापमान हवा के साथ अभिक्रिया करके जलने लग जाएंगी। जो भी अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं वो जब कमरे के तापमान पर अभिक्रिया करेंगी, ठीक है ना, हवा के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या हो जाएगी, वो जलने लग जाती हैं जैसे कोयला। उनके निष्कर्षण के लिए विद्युत अपघटन अपचयन पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। उनके निष्कर्षण के लिए जो अधिक अभिक्रियाशील धातु रहेंगे उनके निष्कर्षण के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपघटन पद्धति, विद्युत अपघटन पद्धति का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये जो धातुएं हैं ये अब बहुत अभी ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं, इनको अलग करने के लिए हम लोग विद्युत अपघटन अभिक्रिया का इस्तेमाल करेंगे, बराबर। इस प्रक्रिया में धातु ऋणाग्र पर जमा होती है और क्लोरीन गैस धनाग्र पर क्या होती है, मुक्त हो जाती है। जब विद्युत अपघटन अभिक्रिया की जाती है, ठीक है ना, तो जो धातु रहेगी वो ऋणाग्र पर जमा हो जाएगी और जो अधातु पर क्लोरीन गैस मुक्त होगी। आप लोग यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऋणाग्र पर जमा हो जाएगा क्योंकि वो धातु, उसको बाद में अलग कर लिया जाएगा, और क्लोरीन जो रहेगी उसका ऑक्सीकरण होगा, मतलब वो क्या हो जाएगी, एनोड पर, धनाग्र पर जाके जमा हो जाएगी, समझ में आ रहा है। चलिए आगे, चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग सीखने वाले अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण समझने के लिए यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेंगे। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है कि जो एल्यूमिनियम है वो बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है ना, तो उसका निष्कर्षण हम लोग कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहले समझ लेते हैं एल्यूमिनियम के बारे में बेसिक जानकारी। एल्यूमिनियम का संकेत Al सबको मालूम है। इसका रंग कैसा है, रूप हरा, हला, सफ़ेद, मतलब चांदी कलर, चांदी का कलर होता है ना, उसके कलर जैसा। इसका परमाणु क्रमांक 13 है, इसका परमाणु क्रमांक 13 है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक संरूपण करेंगे 2, 8, 3 हो जाएगा, संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब ये अपने बाहरी कक्षा से 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग कर देगा और अपने ऊपर 3 धन आयन तैयार करेगा उसके प्रोटोन में, ठीक है, यहाँ पर समझाए। एल्यूमिनियम अभिक्रियाशील धातु होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। आप सभी को मालूम है जितनी भी धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से वो दूसरे तत्वों के साथ यौगिक बहुत आसानी से बना लेते हैं। ऑक्सीजन और सिलिकॉन के पक्षात एल्यूमिनियम ऐसा तीसरा तत्व है जो विपृष्ठ पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मतलब ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद अगर दूसरा कोई तत्व है जो पृथ्वी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण उसके प्रमुख अयस्क बॉक्साइड द्वारा किया जाता है। मतलब एल्यूमिनियम का अगर आपको निष्कर्षण करना है तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास ऑक्साइड के रूप में, अयस्क के रूप में बॉक्साइड होना चाहिए। बॉक्साइड अगर है तो उससे हम लोग एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कर सकते हैं। बॉक्साइड में 30% 70% इतना क्या होता है, बॉक्साइड होता है, ठीक है ना, और बाकी क्या रहेगा, पानी रहेगा, ठीक है ना, केलासन जल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, केलासन जल कहेंगे, NH2A H2O, इसको केलासन जल कहेंगे। शेष भाग में मृदा शुद्धि रहती है, मृदा शुद्धि को हम लोग असार बोल सकते हैं, और वो मृदा शुद्धि कौन सी रहेंगी, सिलिका और आयरन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, ये अशुद्धियाँ पाई जाती है अयस्क के अंदर, इनको याद रखिएगा, ठीक है ना। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करते समय हम लोग अयस्क कौन सा लेंगे, बॉक्साइड। जब बॉक्साइड लेंगे तो बॉक्साइड के अंदर दो
बोल सकते हैं हम लोग अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, पहला सिलिका ऑक्साइड और दूसरा आयरन ऑक्साइड। अभी सिलिका ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड को अगर हम लोग अलग कर लिए तो हम लोग एल्यूमिनियम को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे, उसका निष्कर्षण दो सोपान में किया जाता है, ठीक है ना। जो एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइड से तैयार किया जाता है, मतलब बॉक्साइड अगर मिल गया तो उसके अंदर दो चीज़ें रहेंगी, एक सिलिकॉन ऑक्साइड और एक क्या रहेगा आयरन ऑक्साइड। तो इससे अगर हमको एल्यूमिनियम प्राप्त करना है तो उसके दो सोपान है। पहला सोपान है बॉक्साइड के अयस्क का सांद्रीकरण, और जो बॉक्साइड का अयस्क है, बॉक्साइड जो अयस्क है उसका सबसे पहले सांद्रीकरण करेंगे, मतलब उसको सिलिका ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड है उसको अलग करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एल्यूमिना बनेगा इस प्रोसेस में क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एल्यूमिना बनेगा। समझ आ रहा है, मतलब सिलिका ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड को जब हम लोग अलग कर देंगे तो इस प्रोसेस के अंदर, पहले वाले स्टेप के अंदर एल्यूमिना तैयार होगा, एल्यूमिना। और इस एल्यूमिना का हम लोग क्या करेंगे, इस्पात की टंकी में विद्युत अपघटन अभिक्रिया करेंगे और बाद में क्या तैयार हो जाएगा, शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बॉक्साइड अयस्क का सांद्रीकरण। चलिए स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम प्राप्त करने का पहला जो सोपान है जिसका नाम क्या था, बॉक्साइड का सांद्रीकरण, ठीक है ना, बॉक्साइड अयस्क का सांद्रीकरण। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए जो बॉक्साइड अयस्क है उसके अंदर दो अशुद्धियां पाई जाती है। पहला क्या था, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ये इसको फेरस ऑक्साइड भी बोल सकते हो, आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हो। दूसरा जो अशुद्धि था वो सिलिका था, सिलिका ऑक्साइड SiO2, ठीक है ना। इन दो अशुद्धियों को बीयर्स पद्धति से अलग किया जा सकता है, कौन सी पद्धति से, बीयर्स पद्धति, ठीक है। बीयर्स पद्धति किसे कहते हैं कि जो हम लोग ये सीख रहे हैं ना बॉक्साइड के अयस्क का सांद्रीकरण, इसको हम लोग बीयर्स पद्धति भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको अलग किया बाद में, ये दोनों जो अशुद्धियां हैं इनको सोडियम हाइड्रोक्साइड के, किसके अंदर, सोडियम NaOH, इसके अंदर भिगो कर रख दिया जाता है। इस टंकी के अंदर क्या करेंगे, गर्म करेंगे 140 डिग्री सेल्सियस से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेंगे, गर्म करेंगे। कितना गर्म करेंगे, 2 से लेकर 8 घंटे तक इसको गर्म किया जाएगा। जब इसको गर्म किया जाएगा तो एल्यूमिनियम जो है उदयधर्मी है, ठीक है ना, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलकर घुलनशील मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, जो एल्यूमिनियम है उभयधर्मी है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होगा, अभिक्रिया करेगा और घुलकर क्या बना देगा, मेटा एल्यूमिनेट बना देगा। क्या बना देगा, मेटा एल्यूमिनेट। बातें समझ में आ रही है, मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है, मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा। और बाद में जो आयरन ऑक्साइड है, ये जो आयरन ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड बोल दो या आयरन ऑक्साइड, ये NaOH की जलीय विलयन में क्या हो जाएगा, घुलता नहीं है, ये नहीं घुलेगा, ठीक है ना। और दूसरी जब दूसरी अशुद्धि थी सिलिका ऑक्साइड, ये जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। बात समझी, आयरन ऑक्साइड NaOH के अंदर घुलता नहीं है और ये जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। और बाद में क्या किया जाएगा, इसको छानने की प्रक्रिया से जो आयरन ऑक्साइड है उसको छान कर क्या किया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। और बाद में आप सभी को मालूम है कि ऑक्साइड के अंदर ये जो घुल जाएगा तो इसका रूपांतरण किस में हो जाएगा, सिलिकेट में हो जाएगा। किसके अंदर हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट के अंदर हो जाएगा। और बाद में ये जो सोडियम एल्यूमिनेट तैयार हुआ था, ठीक है ना, मेटा एल्यूमिनेट बोलो या सोडियम एल्यूमिनेट बोलो, यहाँ पर जो तैयार होता है मेटा एल्यूमिनेट, इसको हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट भी बोल सकते हैं। इसको क्या करेंगे, पानी से धो देंगे और 50 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, उसको ठंडा कर देंगे। 50 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे और उससे क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप प्राप्त होगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या मिलेगा, अवक्षेप प्राप्त होगा। और इस अवक्षेप को क्या किया जाएगा, छानकर धोकर सुखाकर, छाना जाएगा, धो दिया जाएगा, सुखा दिया जाएगा। और 1000 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे और बाद में उसको तेजी से क्या करेंगे, ठंडा करेंगे और लास्ट में हमको एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा। अब इसी एल्यूमिना को हम लोग आगे जाके एल्यूमिनियम के विद्युत अपघटन प्रक्रिया से शुद्ध एल्यूमिनियम हमको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझा है क्या, चलिए अब आगे देखते हैं। बॉक्साइड अयस्क का सांद्रीकरण, जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो बॉक्साइड होता है उसके अंदर लोह ऑक्साइड और सिलिका ऑक्साइड जैसी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इन अशुद्धियों को बीयर्स विधि द्वारा क्या करेंगे, हम लोग अलग कर सकते हैं। इन अशुद्धियों को हम लोग बीयर्स पद्धति द्वारा अलग कर सकते हैं। बीयर्स पद्धति को ही हम लोग बॉक्साइड अयस्क का सांद्रीकरण कहा जाता है, या बीयर्स विधि बोलिए, बॉक्साइड का अयस्क का सांद्रीकरण बोलिए, दोनों विधि क्या है, एक ही है। अब इन दोनों अशुद्धियों क्या किया जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, 140 डिग्री सेल्सियस से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 2 से लेकर 8 घंटे तक गर्म किया जाएगा। और जो एल्यूमिनियम है वो क्या है, उभयधर्मी है, जिसकी वजह से वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा और उससे क्या तैयार कर लेगा, मेटा एल्यूमिनेट। इसको हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, मेटा एल्यूमिनेट तैयार करेगा। एल्यूमिनियम
ये बॉक्साइड है, इसको हम लोग क्या कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में क्या किया, इसको गर्म किया 2 से लेकर 8 घंटे तक, लगभग 140 डिग्री सेल्सियस 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया और यहाँ पर क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट बोलिए या मेटा एल्यूमिनेट बोलिए। अब इस सोडियम एल्यूमिनेट को, ठीक है ना, क्या करेंगे हम लोग, अगला पॉइंट क्या है, मृदा शुद्धि में उपस्थित जो आयरन ऑक्साइड था वह क्या होगा, जलीय जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके अंदर घुलेगा नहीं, जिसको हम लोग क्या करेंगे बाद में छानकर अलग कर देंगे। लेकिन जो दूसरी अशुद्धि थी सिलिका, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में क्या होता है, घुल जाता है और सोडियम सिलिकेट का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, सोडियम सिलिकेट का, सोडियम एल्यूमिनेट, वो जो सोडियम एल्यूमिनेट है उसको पानी में डालकर 50 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, गर्म ठंडा करेंगे और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप तैयार होगा। क्या तैयार हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al ब्रैकेट में OH3। और ये जो अवक्षेप है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप तैयार हुआ है, इस अवक्षेप को क्या करेंगे, छानकर धोकर सुखाकर 1000 डिग्री सेल्सियस क्या करेंगे, गर्म करेंगे और बाद में क्या मिल जाएगा, एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा। अब ये एल्यूमिना जो है स्टूडेंट्स वो द्रव रूप में है, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात, ये एल्यूमिना जो है द्रव रूप में। अब इसके अंदर क्या है, सिलिकेट ऑक्साइड है, क्या हुआ है, सिलिकेट ऑक्साइड है। अब उस सिलिकेट ऑक्साइड को भी हम लोग क्या क्या करना है, बाहर निकालना है, तो उसके लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन, जो एल्यूमिनियम प्राप्त करने का अगला सोपान है, एल्यूमिनियम प्राप्त करने का, एल्यूमिना का जो एल्यूमिना प्राप्त हुई ना पहले वाले प्रोसेस में, ठीक है ना, बॉक्साइड के सांद्रीकरण में जो एल्यूमिना प्राप्त हुई थी उसका हम लोग क्या करेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया करेंगे। इसमें क्या होता है कि इस्पात की एक टंकी होती है, ठीक है ना, इस्पात की टंकी में नीचे की एक मार्ग रहेगा जहां से पिघली हुई जो एल्यूमिनियम है वो बाहर निकाला जाएगा। यहां पर ग्रेफाइट की 4 छड़े लटका दी जाती है, ठीक है ना, ग्रेफाइट की 4 छड़े लटका दी जाएगी और उसको वायरिंग से क्या कर दिया जाएगा, बैटरी या सेल द्वारा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो, ठीक है ना, ये जो आपको दिख रहा है इस्पात की टंकी, ये ऋणाग्र का काम करेगा और ये जो छड़ लटकती हुई दिख रही है ये धनाग्र का कार्य करेगा। बात समझ में आ रही है आपको, तो इसके अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है ना, अब इसका विद्युत अपघटन करेंगे। तो अब जो एल्यूमिना है उसको पिघलने के लिए 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तापमान चाहिए। अब तापमान कम करने के लिए उसके अंदर हम लोग क्या मिलाएंगे, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार। क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार क्या है, एक तरह से उस पदार्थ का जो भी गलनांक है उसको क्या करेगा, वो कम करेगा, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस क्या करेगा, कम कर देगा और वो एल्यूमिना जो होगा वो पिघल जाएगा पूरी तरह से। और बाद में जो एल्यूमिनियम है वो क्या हो जाएगा, ऋणाग्र पर जाएगा और उसके अंदर से जो ऑक्सीजन गैस है, ये जो ऑक्सीजन गैस है ये कार्बन के जो ग्रेफाइट है उसके साथ अभिक्रिया करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, बाहर आ जाएगी और यहाँ पर जो एल्यूमिनियम रहेगा इस मार्ग से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, चलिए अब समझ लेते हैं। प्रति में पिघली हुई एल्यूमिना का मिश्रण, जो आपने एल्यूमिना दिखा था ना, ठीक है, बॉक्साइड के सांद्रीकरण में जो एल्यूमिनियम मिला था लास्ट में एल्यूमिना, उसका द्रोणांक जो रहता है वो 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है, जिसको स्टील की टंकी में या तो इस्पात की टंकी में डाल दिया जाता है। जो इस्पात की टंकी का आंतरिक भाग रहेगा वो ग्रेफाइट का इस तरह, मतलब ग्रेफाइट से बना रहेगा और जो क्या क्या काम करेगा, ऋणाग्र का काम करेगा। वो जो ग्रेफाइट है ना, वो जो टंकी है उसका जो आंतरिक हिस्सा है वो ऋणाग्र का काम करेगा और विद्युत अपघटन में डूबे हुए जो कार्बन की ग्रेफाइट की छड़े हैं वो धनाग्र काम करेगी। उसके अंदर जो 3 छड़े लटकाई गई थी वो धनाग्र काम करेगी। द्रोणांक का 1000 डिग्री सेल्सियस कम करने के, जो द्रोणांक है वह 2000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, अगर हमको चाहिए कि इसका द्रोणांक जो है वह 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाए, मतलब कम हो जाए, तो उसके अंदर हम लोग 2 चीज़ें मिलाएंगे, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार। ये क्या करेगा, उस मिश्रण का जो द्रोणांक है उसको कम कर देगा और 1000 डिग्री सेल्सियस पर ही हमको क्या मिल जाएगा, शुद्ध एल्यूमिनियम मिल जाएगा। द्वारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर एल्यूमिनियम जमा हो जाए, कैथोड मतलब ऋणाग्र पर जो टंकी ना उसके तल में क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम जमा हो जाएगा और एल्यूमिनियम विद्युत अपघटन भारी होने के कारण तली में जम जाता है। एल्यूमिनियम जो है विद्युत अपघटन होने के कारण उसका वजन ज़्यादा है, जिसकी वजह से तल में जमा रहेगा और जो ऑक्सीजन गैस है वो निकलेगी और जो ग्रेफाइट की छड़े हैं उनसे अभिक्रिया करके क्या तैयार करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होने की वजह से वो जो छड़ है उसका बार बार क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। इसलिए विद्युत अपघटन करते समय, एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन करते समय वो जो कार्बन की छड़े हैं उनको बार बार क्या किया जाता है, बदली किया जाता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं धनाग्र पर कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीजन का होगा, जैसे समझ रहे, ऑक्सीकरण होगा, और ऋणाग्र पर क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो इस प्रकार हम लोग बॉक्साइड के अयस्क का सांद्रीकरण और बाद में एल्यूमिना का विद्युत अपघटन, इन 2 प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके शुद्ध एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जा सकता है।
स्टूडेंट्स, उम्मीद आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। उसके बाद में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी सारी वीडियोज़ को देख सकें। कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं, मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।